वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, और ये मेरी खुद की खोज है। मैंने इसे सर्च करके और बड़ी मुश्किल से इस बारे में जानकारी जुटाई है कि क्विक ऐप में अपनी वॉइस में कैसे स्टेटस बना सकते हैं। तो इसके लिए आप को तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्टार मेकर, क्विक ऐप जिसमें हम स्टेटस बनाएंगे, और काइंड मास्टर। और काइंड मास्टर में स्टार मेकर से सॉन्ग को कैसे उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है कि स्टार मेकर के सॉन्ग को डायरेक्ट यूट्यूब पर हम कैसे अपलोड कर सकते हैं ऑडियो सॉन्ग को, क्योंकि वीडियो सॉन्ग का तो ऑप्शन होता है उसमें यूट्यूब पे अपलोड करने का, लेकिन ऑडियो सॉन्ग का नहीं होता है। तो उसके उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें अपने काइंड मास्टर में सबसे पहले जाना होगा, और काइंड मास्टर में जाने के बाद हम जो सॉन्ग हमने काइंड मास्टर में स्टार मेकर से लेकर आए हैं, उस सॉन्ग का हमें एक रफ़ वर्क करना पड़ेगा। रफ़ वर्क मतलब जो इसमें हम जो सॉन्ग या वॉइस ओवर एक्सपोर्ट करते हैं वो क्विक ऐप में आ जाती है। तो इसमें हमने एक ऐसे ही रफ़ स्टेटस बना लिया है कोई सी भी पिक लगा के, क्योंकि हमें हमारा मेन उद्देश्य जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग को अपने सॉन्ग को क्विक ऐप में ले जाना है। तो इसके लिए हमें इस सॉन्ग को जो भी है या कोई शायरी है या कुछ भी है तो उसे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो क्विक ऐप में वो चीज़ आ पाएगी। तो एक हमने पिक ले ली है, और जो सॉन्ग हमारा काइंड मास्टर में था जो हमने स्टार मेकर से इसमें लेके आए थे, उस सॉन्ग को हम इसमें ऐड कर लेंगे। और देखिए ये सॉन्ग हमारा आ गया है, अब इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये सॉन्ग चला जाएगा क्विक ऐप में, वहाँ से हम फिर इसका स्टेटस बनाएंगे। तो ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, क्विक ऐप में वही सॉन्ग रहते हैं जो या तो काइंड मास्टर में एक्सपोर्ट किए हुए होते हैं और या हमारे जो मेमोरी कार्ड में होते हैं, यही दो ऑप्शन होते हैं उसमें। तो इसीलिए हमने इसमें एक रफ़ वर्क करके अपने एक सॉन्ग को एक्सपोर्ट किया है जिसका हमें स्टेटस बनाना है, क्योंकि अपने सॉन्ग को तो हम मेमोरी कार्ड में नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसमें एक्सपोर्ट किया है। और जो सॉन्ग हम एक्सपोर्ट करेंगे वो क्विक ऐप में आ जाएगा। तो ये सॉन्ग हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सॉन्ग जो है वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया है, और काइंड मास्टर का काम अब हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं क्विक ऐप में, और ये लिखा है क्रिएट न्यू वीडियो, इस पर हम क्लिक करेंगे। और ये आ गया है पिक्चर वाला ऑप्शन, जहाँ से हमें जो भी पिक्चर का स्टेटस बनाना है वो हम उतनी ही पिक्चर यहाँ से ले लेंगे। ये पहले से ही हमने डाउनलोड कर ली है, इसे स्किप करेंगे, और ये जो पिक्चर हमने ली थी वो पिक्चर आ गई है। और उसके बाद अब हमें इसमें अपना म्यूज़िक ऐड करना है, और इसमें आप ये म्यूज़िक
लाइब्रेरी में हम जाएंगे, इसमें लिखा है ये माय वीडियो म्यूज़िक, इसमें ये जो काइन मास्टर वाले जितने भी इसमें सॉन्ग हैं वो हैं और मेमोरी कार्ड वाले हैं। तो ये हमने अपना सॉन्ग ले लिया है जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया था स्टेटस में, काइन मास्टर से जो हमने एक्सपोर्ट किया था सॉन्ग, वो सॉन्ग है ये। और ये सॉन्ग देखिए आ गया है। और उसके बाद हम जाएंगे म्यूज़िक स्टार्ट में, क्योंकि इसमें पहले म्यूज़िक है लेकिन हमें जो स्टेटस बनाना है वो जो सॉन्ग के जो बोल हैं उसके ऊपर स्टेटस बनाना है। तो म्यूज़िक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो म्यूज़िक है वो पूरा इसमें से हटा देंगे और जहाँ इस गाने के बोल होंगे वहाँ पे जब ये आ जाएगा सॉन्ग तो उस पर हम राइट का जो निशान लगा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारे गाने के बोल स्टार्ट है, तो हमने राइट पर क्लिक कर दिया तो ये म्यूज़िक है वो हट गया है और केवल वही सॉन्ग रह जाएगा जहाँ से ये गाना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमें पोर्ट्रेट पर बनाना है या सिनेमा स्कोप में बनाना है या स्क्वायर में बनाना है वो हम डिसाइड कर लेंगे, जैसा भी हमें जिस भी हिसाब से हमें जो है अपना स्टेटस बनाना है। उसके बाद यहाँ से ड्यूरेशन चेंज उसकी हो जाएगी, अगर आपको मतलब जो गाने के बोल के हिसाब से जो आपको अपने जो उसे उसके जो बोल लिखने हैं उसके हिसाब को हम इससे एडिट कर लेंगे और ड्यूरेशन इसकी बढ़ा देंगे 30 सेकंड या 28 सेकंड जो भी है वो उतना करने के बाद इसमें हम गाने के बोल लिखेंगे। इसमें हम ये देख लेंगे कि कौन से पिक्चर में कौन से बोल आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये बीच वाला जो पेंसिल का बटन है उस पर क्लिक करेंगे और जो गाने के बोल जो भी आ रहे हैं उसके हिसाब से हम इसमें लिखते जाएंगे और अपना स्टेटस बना लेंगे। ये हमने देख लिया इसमें जो भी बोल आए हैं गाने के वो हमने इसमें लिख लिए हैं और ये नीचे ये दिए हुए हैं इसमें से आपको जो भी रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जिस और इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो वाला फॉन्ट आप इसमें लगा सकते हैं। और गाने के बोल के हिसाब से हमने इसमें लिख लिया है और इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो आप इसमें लगा लें। तो इस तरह आप अपनी वॉइस में क्विक ऐप में एक सुंदर सा स्टेटस बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और पूरा स्टेटस बनाने के बाद ये नीचे ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसे शेयर कर लें और इसे यूट्यूब पर या अपने व्हाट्सएप पर इसे सेंड कीजिए या अपने यूट्यूब पर इसे अपलोड कीजिए। ये अलग अलग तरह के ये दिए हुए हैं, जो भी आपको पसंद हो वैसा आप लगा सकते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन है वो गाने के हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और स्टेटस पूरा होने के बाद जब पूरे बोल आपने लिख लिए हो तो यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे और इसे शेयर कर देंगे, या तो यूट्यूब पर करना है या व्हाट्सएप पर करना है या आपको जहाँ भी इसे शेयर करना है उसे आप शेयर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताइए हमें, लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।